पीएम मोदी ने आदि महोत्सव का किया उद्घाटन, कहा मैंने आदिवासी परंपराओं को जिया है। सांसद खेल महाकुंभ, पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा मैदान खेल का हो या जिंदगी का, हार जीत लगी रहती है। गिरिराज सिंह ने जिन्ना से किया असदुद्दीन ओवैसी की तुलना, कहा जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही निकलता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर को ईडी ने किया गिरफ्तार, कोर्ट से 9 दिनों की हिरासत मिली। शाहिद अफरीदी का बड़ा बयान, बोले बीसीसीआई के सामने आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह में खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मार्गदर्शन मिला। सांसद रवि किशन की मेजबानी में क्षेत्रीय क्रीड़ांगण के समापन समारोह में प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़े तो मुख्यमंत्री स्वयं खिलाड़ियों के बीच मौजूद रहे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल जुड़कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह स्थल पर उपस्थित रहकर खिलाड़ियों को आगे बढ़ने रहने के लिए भी प्रेरित किया है। संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अपने शिक्षा विद्यालय बीएएमजी इंटर कॉलेज से यूपी बोर्ड परीक्षा का शुभारंभ किया। परीक्षार्थियों का टीका, तिलक और गुलाब के फूल से स्वागत किया और यूपी में नकल विहीन परीक्षा का भरोसा दिया। और मैंने शुभारंभ यहीं से किया है जहां से मेरी पूर्ण शिक्षा दीक्षा हुई है। इस विद्यालय को पूरे प्रदेश में सही प्रकार से परीक्षा हो, पवित्रता से हो, स्वच्छतापूर्ण हो, पारदर्शिता से हो, इसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। और इस वर्ष 58,85,745 बच्चे जो हैं बैठे, जिसमें हाई स्कूल के 31,16,457 हैं और इंटर के 27,69,258 बच्चे हैं। लखनऊ में एक युवक को अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट जो एलडीए की ओर से ध्वस्त किया गया है, इसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, करीब 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, इसके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अभी इसमें कार्यवाही चल रही है, जिनका भी नाम सामने आएगा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पंजीकृत किया गया था, इसमें एक व्यक्ति को अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट जो कि एलडीए द्वारा ध्वस्त भी किया गया है, उसमें फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी उनके साथ की गई थी और करीब 71 लाख की धोखाधड़ी करी गई थी। इसमें जो अभियुक्त है सायम यजदानी, उसकी संलिप्तता प्रकाश में आई थी और अब थाना हजरतगंज की पुलिस टीम द्वारा इसको गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के एक निजी होटल में स्वामी प्रसाद मौर्य और समर्थकों और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के साथ हाथापाई की घटना को सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि देश में संविधान है, कानून अपना काम करता है, लेकिन किसी पर हमला कर किसी की जबान काटने के लिए इनाम घोषित करना यह गलत है। समाजवादी पार्टी सरकार इस पर कार्रवाई की मांग करती है। समाजवादी पार्टी उस घटना की निंदा करती है। देश में संविधान है, आप सहमत असहमत हो सकते हैं, कानून अपना काम करता है, लेकिन किसी पे हमला कर देना, किसी की गर्दन काटने पे, जबान काटने पे इनाम घोषित कर देना, ऐसी तालिबानी संस्कृति की समाजवादी पार्टी निंदा करती है और समाजवादी पार्टी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करती है।
नोएडा और गाजियाबाद में वाहन चालकों को खास ख्याल रखना होगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स होना बेहद जरूरी है। इसके बिना गाड़ी चलाने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस एक अभियान चला रही है जिसके तहत नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। बता दें कि 1 साल बीत चुका है फिर भी लोग गाजियाबाद की सड़कों पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की तस्वीरें दिखाई दी है। ये तस्वीर गाजियाबाद के प्रमुख चौराहे की है जहाँ परिवहन विभाग ने अभियान के तहत वाहनों के चालान काटे, साथ ही कुछ वाहन अन्य खामियों की वजह से भी सीज किए गए हैं। प्राइवेट और या कमर्शियल, तो ये हम लोग रोज का हम लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पे चालान करते थे, तब से लेकर के आज तक लगभग 1300 वाहनों पे हम लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का चालान कर चुके हैं। क्योंकि पूरे प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की 15 फरवरी को समाप्त हो गई है समय सीमा, तो इसको लेकर के हम लोगों ने आज एक विशेष अभियान ट्रैफिक पुलिस की मदद से और हम लोग परिवहन विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और उसके साथ साथ जो अन्य उसमें अभियोग कोई वाहन में पाया जाता है या बिना हेलमेट के है, बिना सीट बेल्ट के है या बिना प्रदूषण के है। अब जैसे ये वाहन है बिना फिटनेस के, 2019 से इस गाड़ी का फिटनेस नहीं है। रायबरेली में योगी सरकार ने भले ही बालश्रम पर रोक लगा दिया हो लेकिन प्राथमिक विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बच्चों को मजदूरों की तरह काम लेते हुए रोड किनारे लगे पीडब्ल्यूडी के ईंटों को बच्चों से चोरी कर रखवा रहा था। इस कारनामे को स्थानीय पत्रकार ने जैसे ही कैमरे में कैद किया वैसे ही गुरु जी ने पत्रकार से अभद्रता कर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ थाना में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। हम ग्राम सभा मटका के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई यहाँ पे? आज हम जो है रोड से जा रहे थे तो सूरज पत्रकार हैं, एक अग्रहरी जो डीह क्षेत्र के हैं, जिला की रो हैं, वो वीडियो बना रहे थे जिसमें जो है पीडब्ल्यूडी का ईंटा जो है प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय मटका के जो है अंदर करवा रहे थे, बच्चों से झुलवा रहे थे, वो खड़े थे और बच्चे ईंटा ढो रहे थे। वो जो सूरज पत्रकार वीडियो बना रहे थे तो जो उन्होंने देखा कि ईंटा जो है पीडब्ल्यूडी का जो है हम ढुलवा रहे हैं और अंदर जा रहा है और ये सूरज पत्रकार जो है वीडियो बना रहे हैं, तो पहुँचे और सूरज पत्रकार को जो है गला दबाने लगे और मोबाइल उनका छीन लिया अंदर, और ये करते हुए पकड़ के अंदर घसीट कर ले गए। रायबरेली के गांव रोखा की रहने वाली पीड़िता वसीमा बानू की शादी कुछ साल पहले वसीम नाम के युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही युवक और उसके परिवार के लोग उसके साथ मारपीट करने लगे और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, साथ ही भारी भरकम दहेज की डिमांड करने लगे। जब इसकी शिकायत उसने संबंधित थाना फुर्सतगंज में की तो वहां पर ससुराल पक्ष के लोगों ने थाना प्रभारी से मिलकर जबरदस्ती सुलहनामा लिखवा दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। शादी हुई जब से मारने पीटने और 5 लाख रुपए का है। किसके साथ शादी हुई है? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या बोलते हैं? बोलते 5 लाख कैश लेके आओ और 4 व्हीलर लेके आओ और एप्लीकेशन दे दो। अब क्या बोलते हैं कि जो है अपने माँ बहन के कहने पर मारते हैं कि सब लेके आओ, नहीं तो फिर जो है हम तुमको रखेंगे नहीं रखेंगे और तुम रफेल बन के रहो, ये बन के रहो, तुम गुलाम हो, ये सब बोलते हैं। बोलते तेरे बाप का टीचर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। कब से मारते पीटते हैं? अरे शादी के 15 दिन के बाद से मारना पीटना चालू हो गया इनका। आगरा में पुलिस सर्विस लांच टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध चरस तस्कर के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों चरस तस्कर गाड़ी से चरस की सप्लाई करते थे। ये चरस तस्कर कुल्लू मनाली से मुंबई सप्लाई करते थे। चरस तस्करों ने गाड़ी में खुफिया चेंबर बना रखा था जिसमें रखकर तस्करी की जाती थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान के दौरान गाड़ी की चेकिंग की जिसमें 4 किलो 142 ग्राम चरस बरामद हुई है। सही है, पुलिस सर्विलांस और स्वास्थ्य टीम की कंबाइंड ऑपरेशन में 2 चरस तस्कर पकड़े गए हैं। ये लोग मनाली से कुल्लू से लेके आते थे अपना सामान और मुंबई में बेचते थे। इसमें जब सूचना प्राप्त हुई तो कटी पुल के नीचे से जो इराद नगर की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पे इनको बरामद किया गया। गाड़ी के पीछे एक चैम्बर सीक्रेट बना रखा था इन्होंने सीट में और वहीं उसी में ये लोग रखते थे, सप्लाई करते थे। ये शमशेर सिंह है और दूसरा है तेजवीर सिंह गावर। इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज रही है।
अम्बेडकर नगर में एक सड़क किनारे एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के बेटे ने भीठी थाने में तैनात एक सिपाही पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के परिजन की तहरीर पर सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिपाही की गिरफ्तारी को लेकर मृतक के परिजन घर में शव रखकर मांग कर रहे हैं। हमारे पिताजी कल शाम को आए थे यहाँ, मार्केट में बैठे थे प्रत्युष सिपाही के साथ, यहाँ दारू वारू पी रहे थे। प्रत्युष सिपाही के पास हम फ़ोन करके पूछे कि पापा हैं, तो बोले पापा आपके नशे में हैं, फ़ोन तोड़ दिए हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया है। तो जो है हम लोग 10 बजे तक देखे वो नहीं आए, 11 बजे तक देखे नहीं आए। सुबह हमको पता चला कि जो है उनकी लाश मिली है यहाँ तेजापुर के पास भट्टे के पास, और हमको यही लग रहा है प्रत्युष साथ बैठे थे। एक काम प्रत्युष का ही होगा, प्रत्युष सिपाही इसके साथ परसों भी पी रहे थे बैठ के। कल हमारी बात भी 7:30 बजे बात हुई थी प्रत्युष से, प्रत्युष बताए कि जो है पापा आपके पी लिए हैं ज़्यादा, फ़ोन पटक दिया है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, रोड पे फेंक दिए। जब हम सुबह गए तो डेड बॉडी के साथ फ़ोन भी मिला सुरक्षित एकदम। प्रातः 7:30 बजे डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि तेजापुर भट्टे के पास, जो कि थाना भेटी में पड़ता है, वहाँ एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची, जब उसको देखा तो वो अचेत अवस्था में था। उसके घर वालों को सूचना दी गई एवं उस व्यक्ति को जिला हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर वह मृत घोषित किया गया। उसकी बॉडी को मोर्चरी भेजा गया। प्रथम दृष्टया यह सड़क दुर्घटना प्रतीत होती है, अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है, तहरीर प्राप्त होते ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद की अदालत में कुछ दिन पहले तेंदुए ने हड़कंप मचाया था, जिसमें कई लोगों को घायल कर दिया गया था। अब एक और तेंदुआ जैसा जानवर ही सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसको लेकर कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल है। वकीलों ने आज स्ट्राइक कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस और वन विभाग की टीम भी छानबीन कर रही है। वकील का दावा है कि सीसीटीवी में जो जानवर दिख रहा है वो तेंदुआ ही है। आज जो सुबह पता चला है कि कल शाम में यहाँ पे फिर से एक लेपर्ड देखा गया है, उसकी वजह से यहाँ पे कल शायद फोर्स भी रही है और इसे कॉम्बिंग भी करा गया है। जो हवालात है यहाँ पे उस तरफ ये देखा गया था शाम में। आज हमने पुलिस चौकी में जो सीसीटीवी फुटेज उसमें देखा है, उसमें वो लेपर्ड सा हमें प्रतीत होता है कि लेपर्ड ही है, वो कन्फर्म हो रहा है। अब से पहले भी देखा गया था नहीं, जब से वो पहला पकड़ा गया उसके बाद से नहीं देखा गया था। कल शाम में खबर आई थी ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों पे कि एक और लेपर्ड देखा गया, और शाम में यह फोर्स रही थी और डीएफओ भी थे, जिसकी वजह से आज सुबह जब हम लोग आए हैं तो भयभीत थे और हम लोग कोर्ट में जा रहे थे तो सूचना। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।